जानिए क्यों स्वयं भगवान श्री राम ने तोड़ा राम सेतु। रामायण के अनुसार हम सभी जानते हैं कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस सेतु को बाद में भगवान श्री राम ने तोड़ भी दिया था। जी हाँ, जिस राम सेतु का निर्माण वानरों और भालुओं ने श्री राम के कहने पर किया था, बाद में उसी सेतु को श्री राम ने तोड़ भी दिया था। दरअसल इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्य पुराण में शिष्ट खंड में मिलता है, जिसमें राम सेतु को श्री राम द्वारा तोड़े जाने की पूरी कथा का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का अंत करने के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आता है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ही लंका पर राज करते हैं और विभीषण श्री राम के परम भक्तों में से एक थे, इसीलिए श्री राम विभीषण से मिलने के लिए लंका जाने पर विचार करते हैं। इसी बीच भरत जी वहां आ पहुंचते हैं और तब वो भी श्री राम के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब दोनों भाई लक्ष्मण को अयोध्या की कमान सौंप कर पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका के लिए निकल पड़ते हैं। जब श्री राम और भरत विभीषण से मिलने के लिए लंका के लिए रवाना होते हैं, तो रास्ते में उन्हें किष्किंधा नगरी नजर आती है। दोनों थोड़ी देर के लिए वहां ठहरते हैं। सुग्रीव और अन्य वानरों से मिलते हैं। जब सुग्रीव को यह पता चलता है कि श्री राम और लक्ष्मण विभीषण से मिलने के लिए लंका जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ विभीषण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही विभीषण को पता चलता है कि श्री राम उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए पूरे नगर को सजा देते हैं। विभीषण श्री राम भरत और सुग्रीव के स्वागत के लिए खुद आगे आते हैं और वो श्री राम भरत और सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यह आज तक कई लोगों को नहीं पता कि जिस राम सेतु को खुद भगवान श्री राम ने ही बनवाया था, वो खुद ही उसे क्यों बाद में तोड़ देते हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी पद्य पुराण में मिलती है। जब श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं, तो वो विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज करना। इस पर विभीषण कहते हैं, ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य को लोगों को सताएंगे, तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसे कहते ही भगवान श्री राम अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ देते हैं। वो सेतु के तीन टुकड़े करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ देते हैं। इस तरह भगवान श्री राम ने विभीषण की समस्या का हल करने के लिए राम सेतु तोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी राम सेतु तोड़ने की कथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोगों को पता भी चल सके कि भगवान श्री राम ने क्यों राम सेतु को तोड़ा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक फॉर वॉचिंग।